एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस टक्कर से ऑटो में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए जा रहे थे। ये हादसा छतरपुर में हुआ। बताया जा रहा है कि नेपाल से अपनी पढ़ाई पूरी कर घर आया MBBS का एक छात्र शिवम चौरसिया ऑटो में बैठकर बागेश्वर धाम जा रहा था। शिवम के साथ ऑटो में और भी लोग सवार थे। तभी रास्ते में ऑटो को एक कार ने टक्कर मार दी जिससे ऑटो में सवार सभी लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया जहां इलाज के दौरान लेकिन शिवम की अमुक अभी मैं जे क्या हुआ कि इनका नेपाल से कंप्लीट हो गया थी MBBS, तो घर पे आए थे तो जे बागेश्वर धाम जाते जा रहे थे। सुबह 4 बजे करीब घर से निकल गए। उसमें बताया अभी जानकारी लगी कि ई रिक्शा में बैठे थे, पीछे से एक बोलेरो सफ़ेद गाड़ी गई, उसने जाके उसको ठोंक दिया और रिक्शा काफ़ी पलट गया और वो गाड़ी लेके भाग गया। तो जब वहाँ से डेड बॉडी 100 नंबर उठा के लाई तो अपना हॉस्पिटल से फ़ोन गया किसी डॉक्टर का जिसका भी इनके पापा के पास, बोले आपके लड़के के सेंड हालत सीरियस, जल्दी आओ। जब तक आए इनको एडमिट कराया और थोड़ी देर पता चला आध घंटे में एक्सपायर हो गया। जब तक हम मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।